शाहनगर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत रेगुआ में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। हिंदू धर्म में गाय को माता के रूप में पूजा जाता है, लेकिन वही एक युवक ने ग्राम रेगुआ में गौ माता को काट कर उसका मांस विक्रय भी कर दिया, जिसमें कल रात 8 बजे के करीब कुछ युवा समाज सेवियों को इसका पता लगा। जिन लोगों को मांस भेजा गया था, उन्होंने बताया कि जुम्मन शाह हमें बकरा और नील गाय का मांस बताकर बेचा गया है। वहां जाकर देखा तो सर अलग पड़ा हुआ था, चमड़ा अलग था और पैर अलग पड़े थे। ऐसा गंभीर मामले में ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए कहा कि आरोपी की पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तारी करे। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही आरोपी गिरफ्तार किया जाएगा। शाहनगर चरणजीत सिंह बंजारा की रिपोर्ट। कल एक घटना हुई है रेंगावा गांव की। हाँ जी, जंगल में एक गोवंश का अवशेष पाया गया है, जिसमें सिर है, चमड़ा है और दो पैर। उसमें गोवंश वध की रिपोर्ट हुई है। सरपंच कौन कौन सी धाराएं लगी रेंगावा के द्वारा जो है FIR कराई गई है, जिसमें 429 IPC और 4/9 मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धारा। कितना जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा मुजरिम को सर? तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। क्या कुछ मामला था सर रेंगवा गांव में हुआ है? आज हमारे पास के ही रेंगवा गांव में एक गौ माता का शव मिला, जिसका सर अलग था, पैर अलग थे और उसका पूरा चमड़ा अलग किया गया था। किसी ने जानबूझ के उसकी हत्या करी है और गाय मांस की तस्करी करी है। इसका कुछ पता लगा है अभी तक? अभी तक इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन पुलिस को संज्ञान है और पुलिस इस मामले में FIR भी दर्ज हो गई है। अगर पुलिस कुछ नहीं करती है तो अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? अगला कदम तो आपको पता ही है कि जैसे रशीद पठान का हुआ था, इनका भी वही होगा। इससे पहले भी आपका बहुत अच्छा कदम देखा गया था, क्या वही फिर से मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो हम लोग थाना का घेराव करेंगे और प्रशासन को इसमें मजबूर कर देंगे कि उनको कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। पुलिस का क्या कुछ आश्वासन मिला है आपको? पुलिस श्रीमान बघेल जी ने कहा है कि इस पर कार्रवाई जरूर होगी और वो अभी उनके जो मामा हैं यहाँ पे जुम्मन, उनका भी नाम है, उनको लेके गए हैं और उनसे पूछताछ करेगी कि कहाँ पे है और उसके बाद में फिर कार्रवाई करेगी। उनका लोकेशन ट्रेस किया जा रहा है कि कहाँ पे है अभी पर। हिंदू संगठन के गठन के कुछ लोगों ने सबसे बड़ा कदम उठाया था इसको फैलाने में, तो इसमें क्या कुछ हाथ रहेगा आपका? हम तो एक हिंदू ही हैं और हिंदू के अलावा इस देश के नागरिक हैं और गाय हमारी माता है। हमको हमारे पूर्वजों ने हमारे वेदों में हमारे शास्त्रों में लिखा है। क्या हमारे सामने हम अपनी माँ का कत्ल होते हुए नहीं देख सकते? नाम क्या लिखते हैं सुबह आप? मेरा नाम मनीष करे है, मैं युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष हूँ सानगर का, भारतीय जनता पार्टी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।